Afternoon to all. Today I am here to give a presentation on the topic of GST. आज हम जानेंगे GST के बारे में. Overview of GST. आज की मेरी presentation का plan क्या है? कि हम इसके आज मैं आपको presentation में क्या-क्या बताऊंगी, क्या-क्या नहीं. First introduction और GST कैसे एक game changer है वो बताऊं. इसके बाद में बेनिफिट ऑफ जीएसटी, देन आईजीएसटी मैकेनिज्म, ये आज की मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है. व्हाट इज जीएसटी? हम ये जानने से पहले जीएसटी क्या होती है, मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी हिस्ट्री बताना चाहूंगी कि जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट हुई. 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इसके बारे में चर्चा, हालांकि चर्चा तो पहले भी होती थी, बट 2002 में ना इसके बारे में चर्चा और ज्यादा होने लगी. 2006 में यूनियन फ्रांस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में जीएसटी को लागू करने के लिए कहा गया था, अपने इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, बट कुछ कंडीशन के कारण ये उस टाइम लागू नहीं हुआ है. 2015 में ये लोकसभा में पास हो गया, बट 2015 में ये राज्यसभा में पास नहीं हो पाया. 2016 में ये राज्यसभा में पास हुआ. फाइनली 2017 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई. सबसे पहली कंट्री थी फ्रांस जिसमें जीएसटी लागू हुई 1960 में. एट प्रेजेंट हमारी कंट्री में 160. अब हम जानते हैं कि जीएसटी क्या होती है. व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी होती क्या है? जीएसटी है कि एक टैक्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस सबके लिए एक टैक्स. इसके लिए एक स्लोगन भी है, वन नेशन वन टैक्स. देन करना
सकते हैं। उसके बाद में सेल्फ रेगुलेटिंग टैक्स सिस्टम था, ये नॉन इंट्रसिव इलेक्ट्रॉनिक टैक्स सिस्टम था। इसका मतलब कि इसने इंटरफेरेंस को कम कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के कारण, तो जिससे हमारी क्या है कि ब्लैक ट्रांजेक्शन, पहले जो ब्लैक ट्रांजेक्शन होती थी ना, वो ब्लैक ट्रांजेक्शन नहीं हो पाती, उनमें कमियां आ गई है। फिर आ गया सिंप्लीफाइड टैक्स रेजिम, ये रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स कम कर दिया, जिससे कंज्यूमर मोर इन्फॉर्म्ड हो गया। कंजप्शन बेस्ड टैक्स है, सीएसटी सेंट्रल सर्विस टैक्स को इसने खत्म ही कर दिया, जिससे पुअर स्टेट है ना उन्हें बेनिफिट मिला। एक्सपोर्ट ने जीरो कर दिए, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी, जिससे क्या हुआ मेक इन हेल्प इन मेक इन इंडिया। जीएसटी रेट्स क्या है, एसेंशियल आइटम्स है ना उन पे जीएसटी के लिए सिर्फ 0% रेट, मतलब कोई टैक्स लगता ही नहीं है। जो हमारे हमें सर्वाइव करने के लिए जो एसेंशियल आइटम है उनके लिए टैक्स लगता ही नहीं है। उसके बाद में मास कंजप्शन करते हैं हम, उसके लिए सिर्फ 5% टैक्स लगता है। उसके बाद में हम जो स्टैंडर्ड रेट के लिए जो आइटम प्रोड्यूस मतलब खरीदते हैं उनके लिए हमें 12-18% टैक्स पे करना पड़ता है। बट जो मतलब जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, पान मसाला होता है, तंबाकू होता है, ड्रिंक्स वगैरह होती है, इसके लिए हमें 28% टैक्स पे करना पड़ता है। इसके पीछे फिलोसफी एक थी कि पूरा सेक्शन है ना वो इतना टैक्स एज कम्पेयर टू रिच सेक्शन जितना टैक्स पे नहीं कर सकता था, इसलिए नेसेसिटी थिंग के लिए टैक्स कम लगाया, और जो मतलब ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है थिंग्स उनके लिए टैक्स के रेट हाई थे। टाइप ऑफ जीएसटी के अंदर CGST, FGST, IGST, UTGST। CGST, FGST जो हम एक स्टेट में ही ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए हम पे करते हैं CGST, FGST। बट हम दो स्टेट बिटवीन टू स्टेट के बीच में ट्रांजेक्शन होती है तो उसके लिए हम पे करते हैं IGST। UTGST यूनियन टेरिटरी के साथ हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसके लिए हम पे करते हैं UTGST। CGST, FGST को हम जो टोटल करते हैं वो IGST के लगभग केसों में IGST के बराबर होता है। देन ये हमारी स्क्रीन पे कुछ हेल्पलाइंस दिखा रहे हैं, इनसे हम हेल्प लेके जीएसटी के बारे में जान सकते हैं, जीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इनके रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, ओवरऑल व्यू हम इन हेल्पलाइन की हेल्प लेके जान सकते हैं। इफ यू हैव अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। हैव यू एनी